पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, सदगुरु की एक साखी है, जो मानुष गृह धर्म जित राखे शील विचार, गुरमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। जो आदमी गृहस्थी धर्म के संयुक्त है वो शीलवान होता है, विचारवान होता है, गुरमुख वाणी का आदर करता है, साधु संगत करता है और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है। ये पांच लक्षण सदगृहस्थों के बताए गए हैं। संत में ये लक्षण तो पहले से होने चाहिए, फिर और ऊंचे स्तर पर चढ़ने की आवश्यकता है उसे। ये बुनियादी चीजें हैं। जो मानुष गृह धर्म जित राखे शील विचार, शील पहला लक्षण है। शील का अर्थ होता है मेरे मन वाणी कर्मों द्वारा किसी को कष्ट न हो, ये भावना रखना। और ये भावना अगर पूरी है तो फिर वो संभल संभल करके बोलेगा, विचारेगा, काम करेगा। दूसरों को दुख दे करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं। आदमी बदहवास है, जो उसे मिलता है उसकी गर्माहट हो जाती है, और वो गर्माहट बहुत थोड़े दिन की है। उसी गर्माहट में गलत काम करके दुख भोगता है। समझदार वह है कि गर्माहट में न पड़े। सारा संबंध क्षणिक है, जवानी क्षणिक है, प्रेमियों का संयोग क्षणिक है, पद क्षणिक है, प्रतिष्ठा क्षणिक है, भीड़ क्षणिक है। बहुत भीड़ में कोई रहता हो तो बहुत भीड़ में रहने से उसका कोई लाभ नहीं होगा, हानि हो सकती है। अवंत में भीड़ साथ नहीं देगी, किसी के साथ नहीं दे सकती है। हमें और आप किसी की भी साथ भीड़ नहीं दे सकती। आज तक किसी का साथ भीड़ नहीं दिया है, आज कैसे दे सकती है। संयोग ही सब क्षणिक है तो गर्माहट कैसी। उपाधि में गर्माहट आती है, उपाधि यानी संबंध, संयोग, नकली रूप। दृश्यमान जो कुछ है सब नकली रूप है। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टपथ मृक्षति यत् दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम्। ये कपिल जी महाराज का मंत्र माना जाता है। व्यास ने अपने योग दर्शन के भाष्य में इसे उद्धृत किया है और वहीं से मैंने भी अपने भाष्य में उद्धृत किया है योग दर्शन के। ये माना जाता है कि कपिल का यह मंत्र खष्टी तंत्र से आ रहा है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपद मृक्षति यत् दृष्टपथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम्। गुणों का जो अत्यंत सूक्ष्म रूप है वो दृष्टि से नहीं दिखाई देती है। गुणों का रूप क्या है, गुण क्या है, सांख्य दर्शन की अपनी अलग परिभाषा है। सतरजस्तम ये गुणों को मूल मानते हैं और प्रकृति उसी का समुच्चय है। लेकिन तथ्य यह है कि प्रकृति मूल है, अवगुण उसका है, प्रकृति का, प्रकृति गुणी है। श्री निर्मल साहब ने अपनी वाणी में यह प्रश्न कई बार उठाया है।
त्रिगुण जिसके गुण है, गुणी फिर कहाँ है? त्रिगुण जिसके गुण है, त्रिगुण तो जब गुण हुआ, सतरजतम गुण है, तो गुणी कौन है? ये उन्होंने प्रश्न उठाया। गुणी का गुण होता है, लेकिन उनकी सांख्य दर्शन की परिपाटी है, उसको हम ये समझें कि पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप आंख से नहीं दिखता है। जड़ परमाणुओं को यंत्र से भी आज तक नहीं देखा जा सका है। जो हमें दिखाई देता है ये यौगिक है, करोड़ों करोड़ों कणों का संयोग है, और ये सच नहीं है। और जो सच है वो दिखाई नहीं देता है। गुणानाम परमम रूपम न दृष्टपद मृक्षत, पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप दृष्टपथम न रिक्षत, रिक्षत नाम चमकना, दिखाई देना। इंद्रियों के द्वारा पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप दिखते नहीं हैं। यह तो दृष्टपथम प्राप्तम, और जो दृष्टपथ से दिखते हैं तन्मायो सुतच्छकम, वो तो मायामय है, अत्यंत तुच्छ है, बना है बिगड़ जाएगा। ये शरीर बना है, रात दिन बिगड़ता है, बिगड़ के रहेगा। सभा बैठी है, अभी उठ जाएगी। सारा संयोग वियोग के रूप में हरदम बदलता है। इस तथ्य को जो निरंतर देखता है वो अहंकार नहीं करता है। निरंतर देखना बड़ी बात है, साधना से तब निरंतर हम देख सकते हैं। भूले रहते हैं, जो मिलता है उसी में गरमाए रहते हैं। महामूर्खता, जो अभी है और अभी नहीं रहेगा उसी में गरमाए रहते हैं, और इसी भवाटवी में जीव अनाथ काल से भटक रहा है। ज्ञान होने पर भी जब तक कोई साधना में समर्पित नहीं होगा ये दशा नहीं आएगी। जब निरंतर मनन चिंतन अध्ययन उसी पर जोर हो तब चित्त उधर लगेगा ठीक से, तब समझ में आएगा सब नकली, सब नकली। शील का व्यवहार करो, बिना त्याग के कोई शील का व्यवहार नहीं कर सकता। जो अपने आप पर त्यागी है वो शील का व्यवहार कर सकता है। जितना त्याग करोगे उतनी सेवा करोगे, और जितना भोग में लगोगे सेवा नहीं होगी। सेवा अपनी शक्ति दूसरे के सहयोग में लगाने को कहते हैं। शरीर से सेवा, धन से सेवा, वाणी से सेवा, ज्ञान से सेवा, अन्य पदार्थों से सेवा, सभी सेवा में त्याग की जरूरत होती है। जब कोई किसी को देता है कुछ तो अपने लोभ को जीत लेता है तब देता है। जब कोई झुकता है किसी के सामने तो अहंकार को जीत लेता है। जो शरीर से कुछ काम करता है किसी का तो अहंकार को जीत लेता है तब करता है। बिना त्याग के सेवा नहीं होती, बिना त्याग के शील का व्यवहार नहीं होता है। शीलवान बनो, अंदर बाहर शील। मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न हो, घर में समाज में साथ में जो लोग रहते हैं सबसे बड़ी जरूरी है वहाँ देखना, मेरे द्वारा किसी को कष्ट न हो। कुछ लोग जानबूझ करके कष्ट देना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का हृदय बहुत भयंकर होता है, वे सुधर ही नहीं सकते। जो जानबूझ करके तकलीफ देने की चेष्टा करेंगे उनका चित्त कैसे शुद्ध होगा? असावधानी में भूल में कहीं हो गया तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके कष्ट देता है वो नहीं सुधर सकता जब तक ये प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा।
शीलवान बनो, मेरी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, मेरे कर्मों से किसी को तकलीफ ना हो। शील का अर्थ सदाचार है, शील का अर्थ संयम है। शील शब्द अनेक सद्गुणों को ध्वनित करता है। अमुक ने अमुक का शील भ्रष्ट कर दिया, कभी कभी अखबार में आप पढ़ते होंगे, अमुक व्यक्ति ने अमुक महिला का शील भंग कर दिया। तो शील सदाचार को, संयम को भी कहते हैं। सरल ढंग से शील का अर्थ है कोमल बर्ताव। दूसरा सद्गुण है विचार, राख है शील विचार। मनुष्य की विशेषता विचार में है। मनुष्य और पशु में फर्क क्या है? विचार का। पशु भी पेट भरता है, प्रजनन करता है, अपने बच्चों को पाल लेता है और जीवन निपटा लेता है। इतना ही आदमी करता है तो आदमी की आदमियत क्या है? पशु में विचार नहीं, प्राकृतिक ढंग से उसमें विचार नहीं, और विचार कभी उसमें आ नहीं सकता है। दो भैंस दो गायें चर रही हैं, ट्रेन आई, एक को रौंद करके निकल गई और फड़फड़ा रहा है, दूसरा जानवर सिर उठा के देख सकता है, देख लेगा फिर चरते चरते दूसरी तरफ चला जाएगा, उसके मन में विचार नहीं आएगा। जानवरों में विचार नहीं होता, स्वाभाविक क्रिया होती, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती। मनुष्य विचारवान प्राणी है। मनुष्य और पशु में अंतर है तो विचार का अंतर है, लेकिन जिस आधार बिंदु से मनुष्य और पशु में अंतर है उस आधार बिंदु को ही मनुष्य खोए बैठा। जानवर में विचार तो नहीं है, लेकिन प्राकृतिक ढंग से उसका आहार सुंदर है, जो प्राकृतिक भोजन है वही करेगा। अधिकतम जानवर मांस नहीं खाते और खा नहीं सकते। नशा का सेवन तो कोई जानवर नहीं करेगा। अब आदमी विचारवान हो क्या करता है? दुनिया में तंबाकू की जितनी शाखाएं हैं, नशा की जितनी शाखाएं हैं, उनको गिनिए तो एक लंबी लिस्ट होगी। और ये सब का निर्माण मनुष्य करता है और मनुष्य इसका सेवन करता है, ये विचारवान है। मधुमक्खी छोटा जानवर है और वो मधुरस बनाता है, जो पौष्टिक, मीठा और अत्यंत गुणकारी प्रसिद्ध है। अब आदमी शराब बनाता है जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो, जीवन नष्ट हो। जानवर, अधिकतम जानवर गर्भाधान के लिए नर्मदा का संयोग होता है, अधिकतम जानवरों में, केवल गर्भाधान के लिए, बाकी नहीं। कुछ जानवर लंपट होते हैं, बानर इत्यादि, बाकी सब केवल गर्भाधान के लिए संयोग करते हैं। आदमी की क्या दशा है? भयंकर है। विचार का विकास इसमें होना चाहिए तो विचार इसका एकदम इतना मिटा है। जानवर भयवश किसी को मारेगा, अब आदमी ऐसा है लूट फूक करने में लगा रहता है। जानवर किसी के खेत में चर लेगा, पेट भर गया हो गया, आदमी के घर में है लेकिन दूसरे को लूट के भरना चाहता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसे हैं लेकिन फिर भी लूटने में लगे रहते हैं। विचार मनुष्य ने कितना छोड़ दिया है, और इसीलिए सबसे अधिक दुखी मनुष्य है। इतना दुखी दुनिया में कोई नहीं है। सुबह से पक्षी चहचहाते हैं, मस्त गीत गाते हैं, अब आदमी सुबह जब उठता है तो लगता है बीमार है।
चेहरा विकृत है, नींद खुलते ही चिंता में डूबा है, जानवर के ऊपर न कपड़े हैं न कोई संग्रह है, कुछ नहीं है, वो खुश है। सुबह से वो गीत गाता है, पक्षी चहचहाते हैं। मैं प्रायः यहाँ रहता हूँ तो 6 घंटे सोता हूँ ठीक से, पूरा एक नींद, दो नींद नहीं होती, और 2:30 बजे करीब करीब उठता हूँ, कभी 2:45 हो जाता है। आज तो 2:11 हुआ था लेकिन फिर सो गया, तो 2:31 पर उठा, 20 मिनट और सो लिया। और देखता हूँ उस समय पक्षी मधुर मधुर स्वर बोलने लग जाते हैं, सभी जानवर प्रसन्न हैं, दुखी है तो केवल मनुष्य, क्योंकि प्रकृति ने इसको विचार की शक्ति दी तो इसने विचार की शक्ति को बिगाड़ में लगा दिया। चिंता अधिक, कैसे घर चलेगा, सब घर अनादिकाल से चल रहे हैं लेकिन हम चिंतित हैं घर कैसे चलेगा। और इतना ही नहीं, साधु सोचते मठ कैसे चलेगा, परिवार के लोग क्या खाएंगे, तो ऐसे साधु महंत भी हैं सोचते हमारे साधु क्या खाएंगे, आगे कौन लिभाएगा। आगे पीछे की चिंता छोड़ दो, अपना काम करो। अनादि काल से जगत चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा, उसमें हम कौन होते हैं, महाप्रबंधक बनकर के हम बैठे हुए हैं। भ्रम बिला वजह का दुख मनुष्य सिर पर लादे रहता है, इसने अपने विचार को अविचार में बदल दिया है। विचारवान बनो, सब हो जाएगा, बाल बच्चे खाएंगे, साधु का मठ चलेगा, गृहस्थ का घर चलेगा, और कोई कुछ बस में किसी के नहीं है, जब जो होना होगा होगा, अपना काम कर लो, अपना काम सबसे है, इसी जीवन में पूरा निर्भय हो जाना। अभी शरीर छूटने का अवसर आए तो कोई भय ना हो, शरीर कब छूटेगा, आज छूटेगा, जब छूटेगा आज रहेगा, आज शरीर छूटने का टाइम आए कोई भय ना हो, यहीं पर मंच पर शरीर छूट जाए, छूटने का टाइम आ जाए कोई भय ना हो। भय क्या है, छूटेगा क्या, कूड़ा कचरा छूटेगा, सब एक एक टोकरी कूड़ा कचरा लिए बैठे हैं और सबको घमंड शरीर का कितना है, और है क्या, टट्टी पेशाब हड्डी मांस रक्त पीव मवाद गर्मी उद्वेग अशांत चिंता पीड़ा, इतना सारा पाप लेके बैठे हो, ये छूट जाए तो क्या नुकसान होगा। अगर किसी को चिंता नहीं है, विकार नहीं है मन में, तो फिर बेड़ा पार है, उसको चिंता होगी ही नहीं, सब कुछ नाशवान है। मैं अविनाशी हूं, नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, इस बोध में जो स्थित है वो कृतार्थ है, और सब समय निर्भय प्रशांत आनंदमय तृप्त हो जाना जीवन का फल है। गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष कोई भी हो, इस मनोदशा में जो जीता है वो सफल है। कपड़े बदलने से इस मनोदशम नहीं आ सकते, साधना करने से आ सकते हैं। कपड़ा तो नाच वाले भी बदल लेते हैं, अच्छे सन्यासी बन जाते हैं। मैंने अपने बचपन में एक नाटक देखा था, तो एक साधु बन करके आया था, तो शरीर सिर को भी ढांक करके चद्दर बैठा था ध्यान में, तो लोग पैसा चाहें तो फर्द फेंक दे, और नाटक कर रहा था। हम लोगों को तो कोई पैसा चढ़ाओ फेंकते नहीं, रख लेते हैं, लेकिन वो फेंक देता था। सब हंसते थे कि दिखा रहा है, नाटक दिखा रहा है, कपड़ा तो कोई बदल लेता है, कपड़ा बदलने से वो मनोदशा नहीं आएगी,
ना आश्रम बदलने से आएगी, साधना करने से आएगी। कपड़ा और आश्रम बदला जाता है इसमें सुविधा होती है, साधना के लिए पूरा आयाम मिलता है, लेकिन जब कोई करे तब तो आश्रम में आ गया कपड़ा बदल लिया वो नहीं करता है और प्रमाद घेर लिया और डूबता है। मोक्ष किसी साधु की जिम्मे की चीज नहीं है, सब मनुष्य मात्र के अधिकार में है। जीवन का परम फल है सदैव परमानंद में जीना, दुख और चिंता से मुक्त होकर जीना, ये विचार का फल है। विचारवान बनो, आप कौन हैं? इस संसार में आए हैं जो देख रहे हैं कब तक है, ये सब क्या है, इनसे हमारा संबंध कितना है, अवंत में क्या रहेगा, ये विचार करो। फिर व्यवहार में भी अपने साथी बराती से सबसे कैसे व्यवहार रखना चाहिए, जिससे किसी को तकलीफ ना हो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। राखे शील विचार गुरुमुख वाणी, गुरुमुख वाणी का आदर करना चाहिए। गुरुमुख वाणी निर्णय हुई, श्री रामराज साहेब ने कहा गुरुमुख वाणी निर्णय हुई, निर्णय गुरुमुख वाणी है। निर्णय क्या है? दो दो चार, कहीं का भी हो, सभी शास्त्र आदरणीय हैं। जो लोग अपने ग्रंथ को अनादि आकाशी ईश्वरी मानते हैं वे दूसरे के ग्रंथ को आदर नहीं देते हैं, और ये झूठ है। कोई पुस्तक आकाश से आई है, कोई पुस्तक आकाश से आई होती तो बेरोक टोक सब मान लेते, सूरज को सब मानते, हवा को सब मानते, आग पानी को सब मानते, ऐसे स्वाभाविक कोई पुस्तक आती आकाश से सब मान लेते। चूंकि सारी पुस्तकें मनुष्य ने बनाई है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, सभी पुस्तकों का आदर करना और जितनी शक्ति हो अध्ययन करके सबसे लाभ लेना, निर्णय को छानना कि सत्य क्या है। क्योंकि कोई पुस्तक ईश्वरी आकाशी नहीं है, सब मनुस्कृत है, तो पढ़ करके विचारें कि सच क्या है। इसके लिए साहेब की साखी जगत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहर है थोथा दे उड़ाए। सूप फटक देता है भूसी उड़ जाती है चावल रह जाता है। इसी प्रकार सारी गलतियों को हटा दो, जो सृष्टि क्रम विरुद्ध है, तर्कहीन है, युक्तहीन है, विवेकहीन है, विश्व के शाश्वत नियमों के कसौटी से अलग है, उसको छोड़ दो। विचारवान बनो, गुरुमुख वाणी का आदर करो, निर्णय का आदर करो। वेद के ऋषि ने भी कहा सक्त में उतुतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्र ईशाम लक्ष्मीर नेहितादिवाच। जैसे चलनी से सत्तु छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो, ऐसी जगह ही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और मित्र मित्रता के भेद को जानते हैं। वेद की ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, कबीर साहब सूप का। कबीर साहब की ये बात तो प्रसिद्ध है, संतजन कहते हैं, लेकिन आज तक अनेक वैदिकों की सभा में मुझे जाने का अवसर पड़ा है, किसी वैदिक ने इस मंत्र का उच्चारण नहीं किया मेरे सामने। कोई ऐसा नहीं मिला जो इस मंत्र को उद्धृत करके कहे कि भाई विचारों से छान करके वाणी मानो, देखो ये वेद का मंत्र कह रहा, ये चिंतन का अभाव, उदारता का अभाव है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी,
भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर झाड़ फूक ये सब गुरुमुख वाणी के मनन न करने का फल है। लोग कहते हैं कि टीवी में बहुत बहुत चमत्कार आजकल दिखाया जाता है, वो तो एक व्यवसाय है, धंधा है टीवी का, और पैसा मिले दुनिया भाड़ भट्टी में जाए। विषय वासना उत्तेजक दृश्य और श्राव्य यानी शब्द और भ्रम उत्पादक दृश्य और शब्द टीवी में बहुत आ रहे हैं। विज्ञान का आधार ले करके अविज्ञान का प्रचार बहुत हो रहा है, इससे अपने को बचाओ। जितना चमत्कार और अंधविश्वास है सब छूटे, कोई वायव्य शक्ति आपके ऊपर नहीं तैर रही है जो आपको तकलीफ या सुख दे। हमें और आपको सुख और दुख हमारे अपने मन वाणी और इंद्रियों के कर्मों से होते हैं, उसी को सुधारना। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी पारक सिद्धांत की वाणी मनन करें। सभी मतों में आंशिक निर्णय है, लेकिन पूरा का पूरा साफ पारक सिद्धांत के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता। ये पक्षपात मेरा नहीं, कोई भी देख सकता है। आंशिक निर्णय हर जगह है, कहीं वो अंश ज्यादा है कहीं कम है, लेकिन सर्वांश भ्रांति रहित यथा तथ्य पारक सिद्धांत कहता है। पारक सिद्धांत किसी का नहीं है, कबीर पंथ का नहीं है, किसी का नहीं है। पारक का मतलब परख करके समझना, सिद्धांत का मतलब है जो अंत में सिद्ध हो। निर्णय करो जो अंत में सिद्ध हो, वही पारक सिद्धांत है। गुरुमुख वाणी का आदर करो, सज्जन वह है जो गुरुमुख वाणी का आदर करता है। भ्रांतियां बहुत हैं आज के विज्ञान युग में, इतनी भ्रांति फैल रही है। भूत प्रेत को लेकर, जादू टोना को लेकर, जंत्र मंत्र को लेकर, देवी देवता को लेकर, अनेक बातों को लेकर के भयंकर भ्रांत चारों तरफ गूंज रही है। दुनिया भर का सुधार कौन कर पाएगा? जो अपना सुधार करना चाहे स्वयं विनम्र हो करके इस दिशा में बढ़े। दुनिया ऐसे है, रही है, रहेगी। डेविड ह्यूम 18वीं शताब्दी में यूरोप के एक दार्शनिक हुए हैं। डेविड ह्यूम, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, तर्कशील थे, चिंतक थे। जो बूढ़े हो गए, मरने का टाइम आया, कई मित्र मिलने आए, तो उन्होंने विनोदी भाषा में कहा कि यमराज नौका लेकर के खड़ा है और कहता, ह्यूम आ बैठ, बैतरणी पार करना है। मैं कहता हूँ भगवान कुछ दिन के लिए मुझे रहने दीजिए, मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं मैं देखना चाहता हूँ कि जनता पर इसका क्या प्रभाव हो रहा है, थोड़ा मुझे रहने दीजिए। यमराज कहता है, मिथ्याभिमानी ह्यूम, अरे तेरे जैसे हजारों लोग हजारों वर्षों तक दुनिया में प्रचार करें, दुनिया ऐसे रहेगी, चल नौका में बैठ। एक विनोदी बात किया। मैं अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार शब्द कहा यमराज बैतरणी, उनका अपना शब्द है यूरोपीय शब्द, लेकिन भाव यही है। रूपक हर जगह करीब करीब वैसे रहते हैं, भाषा में अंतर रहता है। कोई ज्ञानी ये समझे मैं दुनिया को बदल दूंगा तो पागल है, ज्ञानी नहीं। दुनिया पहले थी वैसे, आज है, आगे रहेगी। इसमें कुछ लोग चेतेंगे निर्णय पा करके, इसलिए परिश्रम करना चाहिए। लेकिन परिश्रम ज्ञानियों को करना चाहिए अपना हाथ पैर बचा करके।
अपनी पूर्ण स्वरूप स्थित का काम करते हुए, ये नहीं कि स्वरूप स्थित का काम छोड़ दिए, शांति का काम छोड़ दिए, दुनिया की जगह नहीं चले, अपने अचेत हो गए, दुनिया तो जग नहीं सकती, अपनों सो गए। कोई भी संत भक्त साधक है ये भ्रम छोड़ दे कि मैं दुनिया को जगा दूंगा, दुनिया ऐसे रहेगी। सेवा करो, कुछ लोग जरूर जगेंगे। मुझे जागृति आई, मुझे सदगुरु मिले, संत मिले, भक्त मिले, एक एक बात उनसे मिले, मुझे याद आता है गुरुजी के यहाँ चलूं, बढ़हरा आश्रम मेरा जो मूल आश्रम गुरु आश्रम है, वहाँ से शरीर जहाँ जन्मा है 10-11 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं। भक्त लोग मिलें, चलूं, बात सुनूं उनकी, एक एक बात अपरिचित है कबीर पंथ की बात मेरे लिए, सुनूं चौंक हो और अच्छा भी लगे। संतों से सुनूं, गुरु जी से प्रश्न करूं, मैं आऊं अपना झोला गुरु जी की चौकी के नीचे रख दूं और प्रश्न शुरू कर दूं, गुरु जी उत्तर दें। गुरु जी काफ़ी उत्साहित थे हमारे, जिज्ञासुओं को उत्तर देने में खूब प्रवीण थे। भक्तों, संतों और गुरु जी की प्रेरणा से, विचारों से मुझे मिला और नींद खुली, तो होता है, लाभ होता है। गुरु जी न मिले होते, संत भक्त न मिले होते, हम कहाँ होते पता नहीं, ये दशा होती, भटकते होते। इसलिए संत गुरु का बड़ा उपकार है, अपने भक्तों का उपकार है, सबका उपकार है। हमें और आपको भी चाहिए सेवा करें, लेकिन आप सेवा क्यों करते हैं? यही तो उपदेश करते हैं, दुनिया झूठी है, रहने वाली नहीं है, भजन करो, साधना करो, सुधार करो। तो ये काम पहले अपना करें, अपना ऐसे रहें, सब समय लगे कि सब झूठ है, रहने वाला नहीं। आप कहेंगे सब दिखाई देता झूठ कैसे है? ये झूठ और सांच दोनों है, दिखाई देता है झूठ नहीं है। लेकिन झूठ की परिभाषा यह है, एक कि जो कभी नहीं है वो झूठ है, जैसे खरगोश के सींग कभी नहीं है वो झूठ है, बंध्या का पुत्र कभी नहीं वो झूठ है, आकाश का फूल कभी नहीं वो झूठ है, एक झूठ यह है। और एक झूठ वह है जो अभी है और अभी न रहे। देखो ये सभा बैठी है, अभी उठ जाएगी, सभा झूठ हो जाएगी। मेरे शरीर की बाल्यावस्था झूठ हो गई, कौमार झूठ हो गया, जवानी झूठ हो गई, बुढ़ापा भी झूठ हो रहा है, अब जर्जरता आ रही है, शरीर एकदम शून्य हो जाएगा, झूठ हो जाएगा। तो ये दूसरे नंबर का जो झूठ है उस झूठ की मैं चर्चा करता हूं। ये जगत आकाश कुसुम की तरह नहीं है, खरगोश की सींग की तरह नहीं है, ये है, परिवर्तनशील है। जो रूप अभी है आगे नहीं रहेगा, हर समय रूप बदलता है। लोग धोखे में क्यों पड़ते हैं? बच्चे को पालते हैं, प्यार देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बड़ा गुमान करते हैं। जब वो जवान होता है, अपनी रुचि के अनुसार चलता है, तो चोट लगती है, फिर घृणा करते हैं, फिर द्वेष करते हैं, फिर पिता पुत्र में बैर बढ़ता है। ये ध्यान ही भूल जाता है कि बच्चे जिस ढंग से मासूम निर्मल चित्त अभी हैं, क्या जवान होने पर वैसे रहेंगे? जवान होने पर उनमें अनेक कामनाएं होंगी, उनके स्वाभाविक संस्कार और आदतें उठेंगी, जवानी का प्रमाद आएगा। पहले सावधान रहो, सेवा कर दो बच्चों की, उनको लिखा पढ़ा दो, सिखा दो, रास्ता दिखा दो, फिर जैसे करें अपने को संभाल के रखो। हम भावुक हो जाते हैं, सब कुछ बदलने वाला है, कुछ स्थिर नहीं। पत पत्नी का पारस्परिक संयोग शुरू में जो होता है, जब देवी बच्चे वाली हो जाती है, बहुत फर्क हो जाता है।
और अधिकतम माताओं का वर्चस्व बच्चों पर हो जाता है, क्योंकि वो प्यार देती हैं। और पिता समझता है कि मैं तो किसी कर्म लायक नहीं रहा, ये दो पति पत्नी मिलने मुझसे आए, दोनों शिक्षित अच्छे स्तर के। उन्होंने कहा महाराज इनको समझा दीजिए, ये बच्चे को पक्ष लेती हैं, बच्चे सभी इन्हीं तरफ रहते, मैं अकेला हो जाता हूं। तो मैंने कहा वो सेवा करती है, स्नेह देती है, तुम तो केवल डांट करते होगे, तुम भी स्नेह दो बस उसे मिल जाओगे, अकेला होने की जरूरत ही नहीं। पुरुष का स्वभाव डांटगास और माता का स्वभाव कोमल, एक समान दृश्य रहने वाला नहीं है, सब बदलने वाला है। इसलिए जो एक क्षण रहे दूसरे क्षण न रहे वैसा, वो भी झूठ है। सारा संबंध झूठ है, वैसा रहता नहीं है, और एक दिन पूरा संबंध शून्य हो जाता है। गुरुवाणी का विचार करो, निर्णय वाणी का विचार करो, साधु संगत करो, ये चौथी बात है। साधु संगत का अर्थ है अच्छी रहनी से जो रहते हो, अच्छी वाणी बोलते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, उनकी संगत साधु संगत है। ये कपड़ा साधु कहो उसकी संगत करो, ये साधु संगत है, ये नहीं कहा जा सकता। साधु के कपड़े में कुसंगी आपको मिल सकते हैं। साधुओं का वेश का जो ठाट है दुनिया में, भारतवर्ष में, बड़ा बड़ा कुसंग है। अच्छे संत हैं और संत वेश में गड़बड़ भी है। ऐसे साधु वेशधारी मिलेंगे कि आपके विवेक विचार ठंडे हो जाए, ऐसी ऐसी बात करेंगे। साधु वेश में जो है आशा में यही होती है कि इनके द्वारा निर्णय ज्ञान वैराग भक्ति पवित्र रहनी के ही निर्देश मिलेंगे। परंतु साधु संगति है, साधु वेश में हो किसी वेश में हो, जिसकी रहनी ठीक है, जिसकी वाणी ठीक है, जिसके कर्म ठीक है, जिसमें अंतर्मुखता है, उसकी संगत करो, उससे रोशनी मिलेगी। हजरत मोहम्मद ने कहा है हदीस में, जो कम बोलता हो और दुनिया से उदास रहता हो उसके पास बैठो, उससे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी, आत्मिक शक्ति मिलेगी। दुनिया से उदास रहने का मतलब है चकर मकर में न भूलता हो, सादा रहता हो। दुनिया से उदास का मतलब कर्तव्य छोड़ देना नहीं है, कर्तव्य तो करना चाहिए। और सभी महापुरुषों ने यह निर्देश दिया है, साधु संगति, जिसकी संगत से हमारे में परिवर्तन आए वो साधु संगति। अब साधु संगत अच्छी, लेकिन हम ही गलत हैं, पात्रता हमारे में नहीं है तो साधु का क्या दोष है। साधु संत अच्छी बात कहते, अच्छी रहनी में भी हैं, लेकिन हमारे में पात्रता नहीं, हम ले ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे। साधु संगत करो, जिनकी संगत में बैठने से रहने से विचार भक्ति की तरफ, ज्ञान की तरफ, सेवा की तरफ लगे, श्रद्धा की तरफ लगे, आत्मोन्नत की तरफ लगे, वो साधु संगति। वो साधु वेश हो, गृहस्थ वेश हो, कोई भी हो। अंतिम बात है मन वच सेवा सार, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो। सेवा सबको जरूरी है। देखो ये पंडाल बना है, किसी ने बनाया है, सब काम हमारे साधु के हैं, पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं सब काम साधु के हैं। इनमें आपसी संगठन बढ़िया है और सब तत्पर रहते हैं, तो सेवा किए हैं तो हम लोगों को सुविधा मिली ही है। लाइट लगाना और कुल सब का सब पूरा टोटली सब ये लोग किए, ये सेवा है। कितने संत भक्त आए वो भी सेवा में लग गए हैं जब आए हैं।
भोजन परोसने में खूब लोग डट पड़ते हैं, बनाने में, अमनिया करने में, सफाई में, हर काम में ये सेवा है। शरीर से सेवा होती है, धन से होती है, मन से होती है, वाणी से होती है, ज्ञान से होती है। जिसकी शक्ति जैसी है कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरे को सहयोग हो, ये सेवा है। घर में जरूरी है, बाहर जरूरी है, हर जगह जरूरी है। परिवार में है कोई काम करता कोई नहीं करता है तो ठीक नहीं है, काम सबको करना चाहिए, अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सबको काम करना चाहिए, सभी काम उपयोगी हैं। मनसा वाचा कर्मणा सेवा में लगो, सबसे सेवक धर्म कठोरा, गोस्वामी जी ने कहा सेवक धर्म सबसे कठोर है, भरत जी के मुख से कहलवाया। भरत जी जब गंगा से पार जाने लगे तो गंगा तक तो राम जी रथ पर आए थे, वहाँ रथ छोड़ दिए थे तो नंगे पैर गए थे, यानी पैर से गए थे। तो जब भरत सुने कि यहाँ से वो पैर से गए हैं रथ से नहीं, तो फिर वो ज्योति भी छोड़ दिए। और उन्होंने ये कहा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। राम जी यहां से पैदल गए तो हमें तो चाहिए सिर के बल जाए, पैदल हो गए हम भी पैदल जाए शोभा नहीं है, लेकिन मजबूर हूं ऐसी आदत नहीं है, पैदल जाना पड़ रहा है तो कम से कम जूती तो नहीं पहनोगे, चाम नहीं काट सकता, जूती नहीं पहनोगे। ये गोस्वामी जी ने इस चीज को उभारा है। तो इससे भरत जी की गंभीरता सिद्ध होती है। अगर आप किसी के सामने झुकते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं। जो पलड़ा झुकता है तराजू का, वो कीमती हो, उसका माल कीमती हो जाता है। कबीर, नवे सो आपको और को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। साहब कहते हैं जो झुकता है अपने लिए झुकता है, दूसरे के लिए कोई नहीं झुकता। झुका तो खुद वजनदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति आपको मिले कि जो आपकी सेवा कर दे, सहयोग कर दे, तो आपके दिल में वो बस जाएगा। सेवा सबको प्रिय है, हमें भी सेवा करना चाहिए। जहां रहो सेवा परायण रहो, सेवक रहो, सब सेवक है, गुरु भी सेवक है। गुरु अपने को गुरु न माने, भोला है जो अपने गुरु मानता है, वो भी सेवक है समाज का, सब सेवक है। दोपहर के पहले कुछ अधिकारी लोग मिलने आए थे, अफसर लोग, तो उन्होंने कहा महाराज महंत जी। मैंने कहा भैया मैं महंत नहीं हूं। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा महंत मैं नहीं हूं, महंत यहां तो कोई है ही नहीं है, सब सेवक हैं, हम सब मिलजुल करके काम करते हैं बस। वेद में आती है बात मरुत के लिए, मरुत वह सब भाई भाई हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक साथ चलते हैं। मरुत का मैंने वेद क्या कहते में वर्णन किया है, मरुत सब एक साथ रहते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, सब सहयोगी हैं। और इसी की जरूरत है, बहुत बड़ा छोटा मान करके झंझटे बढ़ती और कुछ फायदा नहीं। तो मैंने कहा, तो एक अधिकारी ने कहा महाराज तो आपको क्या कहूं, तो मैंने कहा आप मनुष्य मैं मनुष्य बस, दोनों मनुष्य हैं और कुछ न कहें। तो हंसने लगे, सब सेवक हैं और अपने ढंग से सबको सेवा परायण होना चाहिए। मन वच सेवा सार, मनसा वाचा सेवा करो, तब सार सार जीवन का लाभ होता है। कुछ लोग सेवा में अपनी तोहीन ही समझते हैं, ये उनकी त्रुटि है। जाए गुरुद्वारे गुलामी करबे, ये बचपन में मैंने सुना था माताओं के मुख से गीत, जाए गुरुद्वारे गुलामी करबे।
गुरुद्वारा जाएंगे तो वहां गुलामी करेंगे, सेवा करेंगे। सेवा परायण रहो, जो जिनकी शक्ति उस ढंग से सेवा करें, हर जगह परिवार में रहें, सेवा परायण रहें, आलसी न रहें। सेवा से उन्नति होती है, श्रम से उन्नति होती है, श्रम सेवा है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में संगठन टूटता है, सेवा टूटती है, अहंकार बढ़ता है, मैं बड़ा, तो आपस में मिलते ही नहीं, बातें नहीं करते, कोई मीटिंग नहीं, फिर कौन किससे कहे, फिर बिगड़ने लगता है, बिगड़ते बिगड़ते खराब हो जाता है। एक दूसरे से मिलो, छुको, विनयी हो जाओ। परिवार में पिता पुत्र, पत्नी, भाई भाई मिलें, समाज में साधु समाज में गुरु भाई गुरु शिष्य मिलें, किसी धंधे में हैं पार्टनर लोग, सब आपस में मिल करके बैठे मीटिंग करें, विचार करें। हर जगह की जरूरत है मिलना, मीटिंग एक साथ बैठ करके घर भर खाओ, एक साथ बैठ करके सब लोग विचार करो, काम करने के लिए निर्णय करो, कदम उठाओ, काम करो, सेवा परायण रहो। यहाँ पर आप लोग आए हैं, जो जिस योग्य हों, यहाँ के जो कार्यकर्ता साधुओं से पूछे क्या करूँ, मेरे लायक सेवा क्या है, मैं कैसे करूँ, और जैसे वो बताएं करो, ये सीखो। ऐसे कहीं जाओ, बारात में जाओ, बाराती बन के बैठे न रहो, वहाँ भी सेवा करो। विदेशियों की नकल हम लोग करते हैं, खड़े खड़े पेशाब करना, सिगरेट पीना इत्यादि का। विदेशियों में कई गुण हैं, वो जिसके घर जाते हैं, भोजन करते हैं तो थाली धो के अपना खुद धर देते हैं, और सेवा परायण होते हैं। मैं हवाई जहाज में चल रहा था, भारत से काठमांडू जा रहा था, दोबारा की बात है शायद, बनारस से उड़ा था, तो यूरोप के लोग थे, तो फल खाया तो मेरा दोना पास के यूरोपियन ने ले लिया और टोकरी में जाके डाल दिया। कुछ परिचय नहीं, कुछ मतलब नहीं, कितना भाव उनका था। मैं देना नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने ले लिया। तो यूरोपियन के और विदेश के कई जो गुण हैं उसको हम नहीं लेते, उनके दुर्गुणों को लेते हैं। सेवा परायण बनो, और हर जगह सेवा की जरूरत है। पूरे संसार से मुझे सेवा मिलती है, देखो हवा मुझे मिल रही है, हवा सेवा दे रही है, प्रकाश सेवा दे रहा है, आग, पृथ्वी सेवा दे रही, इसी पर हम बैठे हैं, पानी सेवा दे रहा है, शून्य सेवा दे रहा है। ये शून्य आकाश ना हो हम लोग जी नहीं सकते हैं। वनस्पतियां मौन, वृक्ष खड़े हैं, सेवा दे रहे हैं, प्राण पदवायु छोड़ छोड़ करके पूरी सृष्टि सेवा दे रही है। हमें भी सेवा देना चाहिए, करना चाहिए, कहीं भी रहो सेवा परायण रहो। तो साहब कहते हैं, मन बच सेवा सार, मनसा वाचा करुणा सेवा करो, तब सार जीवन का लाभ मिलेगा। जो मानुष गृधर्म जुत राखे शील विचार, गुरमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। गृहस्थी धर्म के संयुक्त जो है वो शीलवान होता, कोमल स्वभाव का होता, सदगृहस्थ का लक्षण यही है, विचारवान होता है, गुरमुख वाणी का आदर करता है, निर्णय वाणी का आदर करता है, साधु संगत करता है, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है। प्रश्न होता है साधु, तो साधु तो एक कर लेता है, तब आगे साधु होता है। साधु पूरी अवस्था है, कृतार्थ अवस्था, ये सब की हुई बिना तो उसमें कोई पहुंच ही नहीं सकता। जिसमें सेवा नहीं है, किसी वैराग्यवान को मैंने नहीं देखा जो निकम्मे रहे हो।
जो मैंने अपनी आँखों से देखा उनको, और जिनके विषय में मेरा समय नहीं था उनको सेवा के समय को देखने, दूसरों से सुना उनकी सेवा की भावना। वैराग्यवान जो हुआ है सेवाहीन नहीं रहा, साधना और रहनी में जो टिका है सेवा परायण रहा। सेवा के बिना चित्त शुद्ध हो ही नहीं सकता, और चित्त शुद्ध हुए बिना ज्ञान टिक नहीं सकता है। घर में चार लोग काम करते, एक आदमी बैठा है अहंकार से, भले बैठा है आलस्य और अहंकार से, उसका चित्त भयभीत रहेगा, चंचल रहेगा। ये लोग काम करते, मैं नहीं करता हूँ, लोग मुझे सोचते होंगे कुछ। अपनी योग्यता की सेवा जो नहीं करता है उसका चित्त शुद्ध नहीं होता है, और जो सेवा करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है, प्रसन्नता हो जाती है, हृदय स्वच्छ हो जाता है। जैसे कमाए हुए खेत में बीज डालने से बीज उगते हैं और फसल अच्छी होती है, ऐसे सेवा से शुद्ध चित्त में ज्ञान के बीज जब पड़ते हैं तो लालहा उठते हैं। साधकों में उन्नत क्यों नहीं होती? सेवा परायणता नहीं। साधक भगत कोई भी हो, जिनमें सेवा परायणता नहीं होगी उनका चित्त शुद्ध नहीं होगा। चित्त शुद्ध नहीं होगा तो ज्ञान का आचरण नहीं होगा। तो साधु तो ये सब करके और ऊपर उठ जाता है, जो दुराचारी हैं वे अशांत हैं, जो सदाचारी हैं वे उस ढंग के अशांत नहीं हैं, लेकिन पूरी शांत उनको भी नहीं है। सदाचारी तो हैं लेकिन मोह है, राग द्वेष मन में है, तो पूरा शांत वो भी नहीं हो सकते हैं। वैराग्यवान है और राग द्वेष को त्यागते हैं, लेकिन अगर पूरी अवस्था नहीं पहुंची है तो पूरी शांत उनको भी नहीं होगी। जितने अंश में राग होगा द्वेष होगा उतने अंश में अशांति होगी। ये गणित की तरह है, इसमें क्षमा उमा कहीं नहीं है। इसीलिए लोगों ने ऐसा ईश्वर बनाया है कि उसके सामने गिड़गिड़ा दो, क्षमा मांग लो और कुल दे जाए। ऐसा ईश्वर नहीं है। ईश्वर है विश्वव्यापी नियम, उसमें क्षमा नहीं है, वो कंप्यूटर की तरह है, उठा करके सामने रख देता है जो आपने किया है। इसलिए अगर कोई संत है, साधक है, ज्ञान वैराग्य से चलता है, लेकिन चित्त में कसर है, मोह है, लालसा है, सांसारिक कुछ लालसा है, तो पूरी शांति नहीं पाएगा। पूरी शांति मिलेगी जब सारी तृष्णाएं एकदम जल जाए। श्री निर्मल साहिब की बात याद आती है, देह द्वार ते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाएगी। देह के द्वारा जगत का हमें ज्ञान होता है, देह ना हो तो जगत का हमसे कोई मतलब नहीं। सो जाते हैं तभी जगत भूल जाता है। देह द्वारते जगत ज्ञान है, और जगत ज्ञान है दुखदाई, जगत का ज्ञान दुखदाई है। जगत को जानो दुख भोगो। तब प्रश्न यह हुआ कि जगत के ज्ञान से अलग कैसे हो, हम जगत को न जाने। तो साहब कहते हैं देह संबंध जब न रहे, जब देह नहीं रहे, अब आत्मा अपने आप में तृप्त मुक्त हो जाए, अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तब जगत ज्ञान नहीं होगा, तो देह संबंध कैसे छूटे। तो साहब कहते हैं जब सकल वासना जर जाए, जब सारी वासनाएं जल जाएंगी तब यह दशा आएगी। इस देह में रहते रहते सारी वासनाएं जल जाए, कुछ इच्छा नहीं, तब फिर वो देह में नहीं आएगा। यहां से कुछ पाने की इच्छा नहीं है, अपने आप में परमानंद परम सुख सागर है, बाहर तो कबाहट है। अपने आप में पूर्ण तृप्त आत्मा वो कुछ नहीं चाहता है,
तो जब तक है देह में तब तक भी मुक्त है, देह छूट जाए तब भी मुक्त है। कुछ लोग कहते देह छूट जाएगा तो जीव मुक्त होकर कहाँ रहेगा, मोटी बुद्धि का यह प्रश्न है। देह में रहते रहते वो मुक्त है, मरने पर क्या पूछना है, देह छूट गई यही मरना है। अब आत्मा अपने आप में स्थित है, बस सारा काम करना है जीते जीते, मरने पर कुछ नहीं करना है। जीते जीते निष्काम होकर के आत्म तृप्त हो जाओ। अगर कहो ये सब बकवास है तो ठीक है, जिसमें रमना हो रमो, लेकिन ये पक्का समझ लो मौत है, शरीर रहेगा नहीं, और जिसमें हमें अहंकार है वो हमारे साथ रहेगा नहीं। इसलिए इसको समझो, ये बकवास नहीं, ये यथार्थ है। आप हैं, अब आप बीच में नहीं उदय हो गए हैं, पहले भी थे, अब हैं, आगे भी रहेंगे। विज्ञान मानता है कि संसार का एक कण नया बनता नहीं है और एक कण मिटता नहीं, जो है सो है, जड़ है चेतन है दोनों है, दोनों रहेंगे। आप हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जीवन का परम फल है इसी जीवन में तृप्त हो जाना, निर्भय हो जाना, संतुष्ट हो जाना। आखिर मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना छूटा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा, ये भी निर्मल साहब ने कहा है। मरना जब अवश्य है तो मोह शक्ति जिसने मिटा दी वो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। जीवन मुक्त है, बस जीवन मुक्त को प्रश्न नहीं होता है मरने के बाद कहाँ रहेंगे, वो तो स्वयं उसमें तृप्त है। कहाँ से क्या मतलब है, अपना स्वरूप अमृत धाम है, वो निराधार है, उसमें आधार आधे संबंध नहीं है। घड़ा आधे है, मिट्टी आधार है, तो घड़ा मिट्टी पर रहता है पृथ्वी पर। तरंग आधे है, जल आधार है, तो आधार आधे संबंध जहाँ है तहाँ आधे आधार पर रहता है। चेतनात्मा ना किसी का आधार है ना आधे, वो निराधार है, अपने आप है। इसलिए जिसकी वासना क्षय हो गई, जो आत्मतृप्त हो गया, आत्मसंतुष्ट हो गया, वो देह रहे देह न रहे दोनों में बराबर है, सब समय मुक्त आत्मा है। ये काम भी ये बात भी समझो, सोचो, करो, सारा दुख इसी में मिटेगा। इस स्थिति तक पहुँचे बिना सारा दुख नहीं मिटेगा, सदाचार से दुख कम हो जाएगा, ज्ञान वैराग से और दुख कम हो जाएगा, लेकिन पूरे दुखों का अंत होगा जब मोह का सर्वथा नाश हो। शरीर छोड़ना है, मोह रख करके छोड़ो या मोह छोड़ करके छोड़ो, आपकी मर्जी। सबको साधना करना चाहिए, मोह छोड़ने की दिशा में सबको चलना चाहिए। सदगुरु की ये साखी याद कर लो, जो मानुष गृह धर्म जित राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार।